नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल हैं अपने प्रयागराज के फाफा मऊ की तरफ। दोस्तों अब ठंड खत्म हो रही है और गर्मी का सीजन धीरे धीरे आ रहा है, तो दोस्तों हम लोग यहीं पे आए थे फाफा मऊ में, जो कि हमारे किसान भाई लोग कितना मेहनत करके हम लोगों के लिए फल फसल वगैरह ये सब हरी सब्जियां उगाते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल अपने फाफा मऊ के माँ गंगा के किनारे पे हैं और आप लोग देख के समझ गए होंगे, यहाँ पे देखिए ये सब लगे हुए हैं, हनुमाना वगैरह है, ये सब के लौकी है, ये सब के पौधे छोटे लगे हुए हैं, अभी स्टार्टिंग में है। और उधर तरबूज बोया गया है, उस तरफ देखिए देख सकते हैं आप लोग, उधर तरबूज बोया गया है और यहाँ पे देखिए बैरिकेटिंग किया गया है और इधर देखिए। और बाकी ये भैया लोग हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कितना मेहनत से ये लोग करते हैं और पानी कैसे सिंचाई करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया, क्या नाम रहा आपका? राम कैलाश कुशवाहा। अच्छा जी, आप यहीं रहने वाले हैं? मरोग रहने वाले। अच्छा, मरोग रहने वाले। तो भैया ये काम आप कब से कर रहे हैं? हम अरे आप पहले से कर रहे हैं, पर साल फिर से कर रहे हैं, पहले कोई रोजगार नहीं है, क्या करा जाए क्या करा जाए। तो इनकम उनकम हो जाता है? अरे अब बाजार रहती है तो इनकम हो जाता है, नहीं तो चला जाता है, घर चला जाता है। तो साल भर में कितना कमा लेते होंगे? कुछ नहीं मिलता भैया, भरा लगातार जाए होता है, ठीक है। अच्छा। रोजी रोटी चलती है और क्या। पूरा कई बीघा बोए हैं यहाँ पे ये? हाँ। ये जान लो कि एक बीघा उधर है। अच्छा, उधर आगे उधर। तो दोस्तों देखिए आगे एक बीघा उधर बोया गया है और दो ढाई बीघा ये तीन दो ढाई बीघा इधर बोया गया है। तो ये जमीन मतलब कैसे आपको मिलती होगी ये जमीन आप हर साल यहीं बोते हैं? नहीं, कभी यहाँ बोल लेते हैं, कभी उधर बोल लेते हैं, जहाँ मिलती वहीं बोल लेते हैं, कहीं भी हर कोई किसान खुल जाती है गांधी हटने के बाद। तब हमारे लोग का जमीन कटी हुई है ना। अच्छा, तो जहाँ मिल जाता है बोल लेते हैं। अच्छा, हर साल दो ढाई बीघा और एक्स्ट्रा भी बो सकते हैं जितना आपकी हिम्मत हो, आपकी जितना हिम्मत हो, कोई रोक टोक नहीं। तो दोस्तों जिसका जितना हिम्मत हो, यानी कि ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, ग्राम लोकल हैं ये लोग, ग्रामवासी हैं, क्षेत्रीय हैं, तो जिसका इलाके में आता है तो अपना बो लेता है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, तो ये लोग हर साल करते हैं। तो भैया ये कितना दिन हो गया इस पौधे को? ये भैया यहाँ कुआर से हमसे एक थाला वाला हर चीज लगा है। अच्छा, ये यहाँ लगी अप्रैल मई में जाए कि चालू हुई, यानी कि तीन चार महीना लग जाएगा। ये मार्च ले से मान लो होली से ये लौकी की कद्दू निकलने लगेगा और तरबूज वरबूज तो मई हुई में जाएगी। तो मेहनत के हिसाब से कमाई उमाई कर ले रहे हैं कि? मेहनत के हिसाब से भैया 300 रोज जोड़ा तो जान लगे 9000 रुपया महीना होता है, 5-6 महीना तो यही लग जाता है, 9-36 हजार रुपया चला जाता है। 36 हजार मिलने जान लो 40-50 हजार रुपया लगा हुआ है। आप किसान भी लगाए हैं इसमें? आप पूरा 40-50 हजार रुपया लगा है, अब 40-50 हजार रुपया 35-35 हजार मिल गए, मिल नहीं घर चले जाते, लेकिन आदमी क्या करे, कुछ नहीं तो सोच के कहता है चलो भाई लगे रहो, अपना किसानी वाला काम है, क्या करें। तो यहाँ से जब फल होने लगते हैं, ये मार्च वगैरह में निकलेंगे, तो कहाँ पे मंडी ले जाते हैं? ये हर यहाँ मंडी ले जाते हैं, नहीं फाफा मऊ नई बक्सी चला जाते हैं। अच्छा, जहाँ मंडी जलाती ले जाते हैं। और भैया इसको सिंचाई करने में पानी वगैरह कहाँ से ले आते हैं? पानी भैया पानी निकल जाता है, निकल जाता है। तो दोस्तों देखिए ये भैया लोग ये गैलन भी ले आए हैं, इसी से पानी ले आते हैं, देख सकते हैं ऐसे यही पानी व्यवस्था है। ये देखिए इतना लगभग कितना फीट होगा भैया? कितना कितना भैया? 5 फीट। तो दोस्तों देखिए लगभग 5 फीट यहाँ पे खुदाई हो गया है गंगा के इलाके में, पानी यहाँ पे इतने में निकल जाता है। हमारे प्रयागराज में देखिए 5 फीट खोदा गया है, पानी निकल गया है, पानी खत्म नहीं होगा चाहे जितना करिए, खत्म हो जाता भैया पानी भर जाता है। तो दोस्तों अगर रेगुलर अगर आप कंटिन्यू निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर पानी ऊपर आ जाता है, 10-15 मिनट में फिर 10-15 मिनट फिर भर जाएगा, यानी कि पानी यहाँ पे इतना ही है। और उधर जहाँ आप लोग का घर है यहाँ से 1 किलोमीटर वहाँ पानी कितना नीचे? उधर तो भैया पड़ेगा 15 फीट नीचे। तो दोस्तों इधर गांव में पड़ेगा 150 फीट नीचे। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 100-150 फीट नीचे है, बाकी उधर 15 फीट नीचे, यहाँ पे तो 5 फीट नीचे पानी मिल जा रहा है यहाँ के रेतीले इलाके में। और देखिए दोस्तों यहाँ पे टमाटर वगैरह भी भैया लोग उगा दिए हैं खाने के लिए, और बैंगन भी। और भैया ये किस चीज का, ये आप लोग बाउंड्री वगैरह किए हैं? ये मतलब किस चीज का बनाया है? ये कासा है, कासा। ये कासा को काट के लाते हैं, उसको बाद टटिया लगाते हैं जो हवा न मारे। इसको खरीदते होंगे? इसको काट के लाते हैं, नहीं मिल जाता है उससे, नहीं मिल जाता तो काट लेते हैं, उस बार चला जाते हैं बोट के सहारे, काट के ले जाते हैं, इसको काट के गड्ढा खोद के लगाते हैं जो न बालू न उड़े,
इसलिए बीरो मतलब फसल अच्छी रहा। यानी कि मेहनत से मेहनत है, मेहनत ही मेहनत है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जैसे नील गाय वगैरह आ जाते होंगे, रात तक आ जाता है भैया। तो दोस्तों रात में देखते भी हैं इसको उगाने के लिए कितना वो होता है। आप लोगों से यही कहेंगे अगर आप लोग मार्केट जाएं तो थोड़ा सा आप लोग इनका लोग का भी ध्यान रखें, ज्यादा मोल भाव ना करें। मोल भाव तो भाई आपके आपकी बाकी आपकी मर्जी है। लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं दवाई लेने तो वहाँ पे एक रुपए भी मोल भाव नहीं करते मेडिकल स्टोर पे। अभी सब्जी के दुकान पे पहुँच जाएंगे तो अभी बोलेगा दुकानदार की 20 रुपए, तो बोलेंगे 10 रुपए देंगे, ऐसे बोलते ना भैया, ऐसे बोलते हैं। तो कृपया करके इन लोगों का भी आप लोग ध्यान रखिए। मॉल में जाते हैं आप लोग खुशी खुशी दे देते हैं, यही टमाटर का आप लोग वहाँ 40 रुपए 50 रुपए किलो देंगे, मार्केट में 10 रुपए अगर बोलने पे आप लोग कम करते हैं। तो आप लोग को अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, बाकी अगर अच्छा जैसे भी हो कमेंट जरूर दीजिएगा, और आप लोग थोड़ा सा इनका भी ख्याल करिए। और बाकी इधर भी कुछ भाई लोग हैं, आपका क्या नाम रहा भैया? चंदन पटेल मेरा नाम है सर। आप कितना बिघा उगाए हैं सर? ये है घर के लोग हैं सभी, हमारे भतीजे हैं, इनका भी 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा होगा। आपका भैया? इनका भी 1.5 बीघा होगा। 1.5 बीघा है। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार पटेल। अच्छा, यहीं रहने वाले हैं? ये हमारे भतीजे हैं। अच्छा, भतीजे हैं आपके। चलिए मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सैकड़ों बीघे बोए गए हैं, काफी दूर दूर तक, और अन्य किसानों का है, और आगे पीछे सब लोग इस समय मेहनत कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। देखिए लगभग वही मार्च से आ जाएगा फल। तो दोस्तों लगभग मार्च से फल आपको खाने को मिलने लगेगा। देख सकते हैं इधर इधर देखिए चारों तरफ, ये तो गंगा एक्सप्रेसवे का जो रोड बन रहा है कनेक्टिविटी का, इसके उस तरफ भी बोए गए हैं। यहाँ से लेकर फाफा मऊ तक, आगे छतनाक तक पूरा चल रहा है, झूसी तरफ भी चल रहा है, यहाँ पे प्रयागराज में बहुत मिलता है। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे उधर खड़े थे जहाँ पे लौकी वगैरह बोया गया था, तो भैया लोग हमको ले आए हैं तरबूज जहाँ पे बोया गया है वहाँ पे लेके आए हैं। देखिए तरबूज का ये पौधा है, देखिए भैया हमको दिखाने ले आए हैं। अभी देखिए इसमें कई पानी डाल दिया गया है और ये अप्रैल से फल देना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं इन लोगों से, मार्केट में लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, कॉस्टली, बाकी अगर होलसेल में लेना चाहते हैं तो भैया से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बाकी भैया का मैं बात करूंगा। भैया यहाँ तक आने के लिए क्या उपाय है आपके पास? सारे साधन भैया, साधन तब सीधा खेत में आएगा, ओकरे बाद हुआ से जो हमारा भी खर्चा लगेगा, आपका खर्चा लगेगा, वही आपका बच जाएगा, हमारा बच जाएगा। जगह का नाम बताइए, जगह क्या नाम है? मोरहू कछार। तो दोस्तों मोरहू कछार है, जो बेला कछार लगता है, बेला कछार। तो दोस्तों हमारे फाफा मऊ आप लोग आइए, प्रयागराज के फाफा मऊ, फिर वहाँ से मोरहू आइए, तो वहाँ से बेला कछार आप लोग पूछ लेंगे तो आ जाएंगे, जो कि पीछे गंगा एक्सप्रेसवे का मार्ग भी बन रहा है। तो अगर आप बेली की उधर से, अगर आप आगे से इधर क्या बोलते हैं मलाखरहार से होते हुए इधर से आएंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट छोर जहाँ पे इधर देखिए जो जहाँ पे झूला वाला बन रहा है, जहाँ पे 6 लेन का काम चल रहा है, आगे माँ गंगा का इलाका है, यहीं पे देखिए सब बोया जा रहा है। और बाकी नंबर भी उपलब्ध कराएंगे, नंबर बता दीजिए दोस्तों। 9591918। दोस्तों अगर आप लोग भैया से कॉन्टेक्ट कर लेंगे होलसेल में भी वैसे भी, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, नंबर हम बता दें 9691098918 9691098918 आप लोग इस पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फोन करिए, रेट भी पूछ सकते हैं आप लोग, बाकी होलसेल में आके ले सकते हैं। क्यों भैया देंगे होलसेल? यस बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही किसान है, काफी किसान है, आपको होलसेल मिल जाएगा, सस्ते मिल जाएगा, तो जरूर एक बार आइएगा, ट्राई करिएगा। और चैनल का नाम बता देंगे तो 1 रुपया शायद कम में मिल जाएगा आपको। तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए इधर थोड़ा सा दिखा देते हैं, अपने भाई से कहेंगे सहयोगी से थोड़ा पौधा दिखा दें। देखिए फ्रेंड्स ये तरबूज का पौधा है, ये देखिए अभी छोटा छोटा है, पानी देखिए डाला गया है, और जो कि ये रेत पे उगाया जाता है। देखिए ये बालू का रेत है, ये देख सकते हैं बालू है, मिट्टी नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग उड़ रहा है एकदम, यानी कि राजस्थान का जैसे थार इलाका नहीं होता डेजर्ट, तो उसी जैसा इलाका यहाँ पे है। देखिए चाहे जहाँ देखिए रेत ही रेत है, हवा चलता है तो उड़ता होगा, हवा चलता है तो बहुत यहाँ पे इसीलिए देखिए इसको लगाया गया, जिससे हवा चले तो इससे आए ना, इससे और इस पौधे को क्षति ना पहुँचे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी तरबूजा खरीदिए, खाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।